हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जस फ्रॉम सैमन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में। टेक्निकल टर्म्स कुछ वर्ड्स आपको देने वाला हूं, 5 वर्ड्स आज दूंगा आपको, और इसी तरीके से ऐसे वर्ड्स आपको देता रहूंगा ताकि आप लोग को उनकी मीनिंग्स भी पता लगे। अगर आप लोग के सामने कोई क्लाइंट बोलता है तब भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट के सामने यूज़ करते हो तो क्लाइंट्स को भी पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये 5 वर्ड्स जो मैं दे रहा हूँ उनकी आपको डिटेलिंग भी दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये 5 टेक्निकल वर्ड आज जो मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, उसमें काउलिक हेयर, वर्ल हेयर, टर्मिनल हेयर, वेलेस हेयर एंड हेयर स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। इनको देखते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, जो भी मैंने अभी टेक्निकल टर्म्स आपके सामने यूज़ किए हैं इनके मतलब क्या हैं। अगर ये मतलब आपको समझ में आ गए तो इवन आप आपके क्लाइंट के सामने भी इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काउलिक हेयर के बारे में। काउलिक हेयर होते क्या हैं? काउलिक हेयर होते हैं पेरीमीटर्स पे, नेप एरिया पे, आपके क्राउन एरिया पे। ये बाल ऐसे होते हैं अगर आप उनको काटें तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, तो उनको बोलते हैं काउलिक हेयर, जो काटते ही स्ट्रेट खड़ा हो जाए। जैसे बॉयज़ में आपने, जैसे हम बॉयज़ हेयर कट करते हैं तो आप बॉयज़ हेयर कट में देखेंगे मोस्टली अगर आप क्राउन एरिया से बाल काटते हैं तो एकदम से खड़ा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं काउलिक हेयर, जो स्ट्रेट खड़ा हो जाए। पेरीमीटर्स पे नॉर्मली दिखता है, आप अगर शॉर्ट हेयर कर रहे हैं, आप सपोज बॉब हेयर कट्स करते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब बॉब हेयर कट कर रहे हो तो आपको हमेशा आपके पेरीमीटर्स चेक करने हैं। फ्रंट पे भी जब आप फ्रिंजेस करते हो तो वहाँ पे भी आपको पेरीमीटर्स चेक करने हैं कि वहाँ पे काउलिक हेयर तो नहीं है, क्योंकि काउलिक हेयर होता है तो बाल जंप करता है और सीधा खड़ा हो जाता है। अगर उसमें वेट नहीं होगा तो ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं काउलिक हेयर। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग वर्ल हेयर के बारे में। वर्ल हेयर क्या होते हैं? वर्ल हेयर होता है भवरा, हिंदी का जो वर्ड है इसका, दैट इज कॉल्ड भवरा। भवरा देखा ना आपने, ऐसे स्पाइरल मूवमेंट में होता है, बिल्कुल गोल 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 जो घूमते हैं उसको हम बोलते हैं भवरा। और भवरा जो मिलता है, जो वर्ल आपका होता है, वो हमेशा क्राउन पे होता है। आपने बाल काटा ऐसे स्पाइरल की तरह गोल गोल कटने के बाद में जो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है उसको हम बोलते हैं वर्ल। अच्छा, किसी किसी को जो वर्ल है वो एक से ज़्यादा भी होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम क्राउन के ऊपर। तो वर्ल जो है वो आपको ऐसे गोल 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 होते हैं, उसको वर्ल बोलते हैं। और जो सीधा बिल्कुल काटने के बाद में, जैसे आपने छोटे बाल काटे, जो सीधा खड़ा होगा उसको काउलिक बोलेंगे, और जो स्पाइरल मूवमेंट में आएगा, बिल्कुल ऐसे गोल मूवमेंट में आएगा, उसको हम बोलते हैं वर्ल। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग हेयर स्ट्रीम के ऊपर। हेयर स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? हेयर स्ट्रीम का मतलब होता है बालों का फॉल। किसी किसी का राइट साइड से लेफ्ट साइड होता है, किसी किसी का लेफ्ट से राइट साइड। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की पार्टिंग कभी राइट साइड पे होती है, किसी किसी की नेचुरल पार्टिंग लेफ्ट साइड पे होती है। तो जो नेचुरल पार्टिंग आपकी आ रही है, मतलब आपने बाल उठाया और जब आप बालों को छोड़ते हो तो वो अपने फॉल जो उसका आता है वो नेचुरल फॉल आता है, उसको हम बोलते हैं हेयर स्ट्रीम। तो आप क्लाइंट को पूछ सकते हो विच इज़ योर हेयर स्ट्रीम, मतलब आपके बाल फॉल किधर की साइड कर रहे हैं। अगर राइट से लेफ्ट की साइड जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे आपके बालों का जो हेयर स्ट्रीम है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। किसी किसी का नेचुरल फॉल ऑन द राइट साइड होता है, मतलब लेफ्ट से राइट। तो आप क्लाइंट को पूछ सकते हैं कि आपका जो हेयर फॉल है, जो आपका हेयर डायरेक्शन है, जो आपका बाल फॉल करता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो उसको हम बोलेंगे आपके बालों का फॉल जो है, वो हेयर स्ट्रीम जो है वो लेफ्ट टू राइट है। तो अगर आप कभी भी क्लाइंट से बात करते हो तो हमेशा आप बात कर सकते हो हेयर स्ट्रीम के बारे में, विच इज़ नेचुरल फॉल। तो आपको देखना है, किसी किसी का सेंटर पार्टिंग का भी रहता है, मतलब अगर आपने देखा होगा नेचुरल सेंटर पार्टिंग रहती है, आप कितना भी अदर साइड करो वो फिर सेंटर पार्टिंग पे आ जाती है। दैट मीन्स उनका जो हेयर स्ट्रीम है वो इनका नेचुरली दोनों तरफ सेंटर पार्टिंग से राइट साइड का राइट साइड जाता है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड जाता है। तो वर्ड इज हेयर स्ट्रीम, याद रखिएगा क्लाइंट से बात करते टाइम पे इस वर्ड को जरूर यूज करें, अच्छा लगेगा। हेयर स्ट्रीम मतलब बालों का नेचुरल फॉल। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग टर्मिनल हेयर की। टर्मिनल हेयर क्या होते हैं? टर्मिनल हेयर होते हैं दो तरीके के, लॉन्ग टर्मिनल हेयर, शॉर्ट टर्मिनल हेयर। लॉन्ग टर्मिनल हेयर जो होते हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, इसलिए वो डार्क कलर के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे सर के बाल, हमारे दाढ़ी के बाल, ये सब डार्क पिगमेंटेड हेयर हैं,
और इसलिए ये स्ट्रॉन्ग भी है और ये दिखते भी ज़्यादा हैं। तो ये सब टर्मिनल हेयर हैं। अगर मैं इनको टेक्निकल टर्म की बात करूँ, दीज आर द टर्मिनल हेयर, और ये लंबे भी होते हैं और पिगमेंटेड भी होते हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्मिनल हेयर की बात करूँ तो थोड़े से बुशी होते हैं, जैसे आप हाथों के बालों को देखते हो, जो एडल्ट हैं उनके बाल जो नज़र आते हैं, डार्क बाल होते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला, उनको हम बोलते हैं टर्मिनल हेयर। हाथों के बालों को, पैरों के बालों को, आईब्रोज के बालों को, ये जितने भी बाल हैं ये सब हैं टर्मिनल हेयर, और इनको बोलते हैं शॉर्ट टर्मिनल बुशी हेयर। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग वीलेस हेयर के बारे में। वीलेस हेयर क्या होते हैं? देखिए, हमारे फेस के ऊपर भी ना बहुत सारे बाल हैं, छोटे 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 बाल हैं जो दिखते नहीं हैं। तो वीलेस हेयर जो है वो पिगमेंटेड नहीं होते सबसे पहले, इसकी वजह से वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो बाल होते हैं और बहुत छोटे होते हैं जो दिखते नहीं, उसको हम बोलते हैं वीलेस हेयर। अगर आप बच्चों के हाथों पे देखो, पैरों पे देखो, बाल होते हैं लेकिन ज़्यादा दिखते नहीं, दैट इज़ कॉल्ड वीलेस हेयर। वीलेस हेयर जो होते हैं वो पिगमेंटेड नहीं होते, तो बहुत लाइट होते हैं और बहुत स्ट्रांग भी नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं वीलेस हेयर। आपके फेस पे भी होते हैं और कई जगह पे ऐसे होते हैं बाल, अगर आप देखेंगे तो आपके पूरी बॉडी पे बाल हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा विजिबल हैं। तो जैसे मैंने टर्मिनल की बात करी, अगर तो वो दिख रहे हैं तो वो टर्मिनल है क्योंकि वो पिगमेंटेड हैं। और अगर मैं बात करूं जहां पे आपको बाल दिखते नहीं हैं, जैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं जहां पे दिखते नहीं हैं लेकिन बाल होते हैं, तो वो वीलेस हेयर होते हैं जिसमें पिगमेंट्स नहीं होते, इसलिए हम उसको बोलते हैं वीलेस हेयर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा उन बच्चों को जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं और इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियोस आप लोग के लिए, इसलिए हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं इन वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को घर बैठे बैठे नॉलेज भी मिलती रहे और आप अपने टर्म्स को यूज़ करें। ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोग भी इन वर्ड्स को यूज़ करें। अभी और बहुत सारे ऐसे बातें आप लोगों से करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, जो बेसिकली अभी तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपका काम ज़रूर बढ़ेगा। तो ये 5 वर्ड्स अपने दिमाग में रख लो, इनको यूज़ करो अपने कॉन्वर्सेशन में जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हो, और अगर कोई क्लाइंट भी देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर देखें और बिल्कुल शेयर कीजिएगा आपके हेयर स्टाइलिस्ट के साथ में, उनके भी काम आएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से देखते रहिए, अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में मिलता हूँ आप लोगों से। अपना ध्यान रखिएगा और हमारे देश को बढ़ाने के लिए जितना आप लोग कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जाने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मुंबई आ जाए। मुंबई में हम लोग वर्सोवा में हैं, जो अंधेरी के वर्सोवा में है, डोंबिवली में है, खारघर जो कि नवी मुंबई में है, और अगर आप लोगों को मुंबई के बाहर ज्वाइन करना है, पूना में है, पटना में है, चेन्नई में है और लखनऊ में है। बहुत ही अमेजिंगली काम कर रहे हैं, हमारी जितनी भी अकेडमीज है बिल्कुल मुंबई के पैटर्न पर ही काम कर रहे हैं। मुंबई से ही हम लोग ने ज़्यादातर जगहों पर ट्रेनर्स भेजे हैं, मिस मत कीजिएगा। देखिए, अगर आपको राइज करना है ज़िंदगी में, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे। सो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग। तो जितना लर्न करते रहे उतना अर्न करते रहेंगे। लर्निंग, अर्निंग, लर्निंग एंड अर्निंग, ये पैटर्न है, इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, वीडियोज देखते रहें, इसी तरीके से प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।